क्वेश्चन नंबर 164 मोहन भाई कुंदरिया। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका माध्यम से मंत्री जी साहब से सौराष्ट्र के रेलवे के लिए एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। गुजरात राज्य में सौराष्ट्र अलग राज्य था, आजादी के बाद 1948 में एक राज्य की स्थापना हुई, उसका कैपिटल राजकोट था। अभी सौराष्ट्र गुजरात का थर्ड हिस्सा है। सौराष्ट्र में द्वारका और सोमनाथ बड़ा मंदिर भी आया, आस्था का केंद्र है, पूरा भारत से लोग आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के पास जानना चाहता हूं कि जब दिल्ली से अहमदाबाद तक राजधानी एक्सप्रेस जो चल रही है, यहां से शाम को 8 बजे उठती है, सुबह 7:30 बजे 9 बजे अहमदाबाद पहुंचती है, वहां से रिटर्न शाम को 7 बजे उठ के सुबह 7 बजे दिल्ली आती है। तो मैं मंत्री को ऐसा एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो उसका मेंटेनेंस जो कार्य हो रहा है अहमदाबाद में हो रहा है, उसके अलावा जो सुबह से शाम तक 13 घंटा जो दिल्ली में पड़ी रहती है, वह जो मेंटेनेंस कार्य उस जगह पे होए, तो अहमदाबाद से राजकोट तक एक अलग सुविधा मिल जाए, दिल्ली सौराष्ट्र को एक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाए, इसलिए आपका माध्यम से मंत्री सुबह पूछना चाहता हूं। सर, माननीय कुंदरिया जी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसा हमारे नरेंद्र मोदी जी दुनिया को जोड़ दिया है, वैसा वो भी राजस्थान और गुजरात भी जोड़ना चाहता है। इसके लिए ये समस्या जो है सर, अहमदाबाद टू राजकोट इज 250 किलोमीटर, वो 250 किलोमीटर से जाने के लिए मिनिमम 4 आवर्स आना और जाना लगता है, 8 आवर्स इट इज रिक्वायर्ड। वो 8 आवर्स रिक्वायर्ड तो मिनिमम फॉर सर्विसिंग के लिए, वो मेंटेनेंस के लिए मिनिमम 6 आवर्स इज रिक्वायर्ड। वो टाइम सेट नहीं होता है, आने वाला दिनों में वो स्टडी करके व्हाट बेस्ट हेल्प कैन डू टू दी पीपल ऑफ राजस्थान एंड अहमदाबाद गुजरात विल स्टडी दैट। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सप्लीमेंट्री वही है कि सवाल जवाब आपका आएगा, यही सप्लीमेंट्री है। सौराष्ट्र में 70 साल तक रेलवे में हमेशा अन्याय हुआ, इसलिए कि सोनगर से राजकोट सिंगल ट्रैक होने के लिए उसके ऊपर रेलवे का भार 150% के ज्यादा होता है, इसलिए नया ट्रेन हमको मिलती नहीं थी। नरेंद्र भाई की सरकार बनी, वो उसको डबल ट्रैक करने के लिए 1200 करोड़ रुपया हमने मंजूर किया, वो मंत्री का मैं आभार भी व्यक्त करता हूं। दूसरा, राजकोट में जो हमको एम्स मिला, उसके आधार पर मैं प्रधानमंत्री और सरकार और आरोग्य मंत्री का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। जो डबल ट्रैक का काम चल रहा है वो जल्दी पूर्ण हो, अने उसके आधार से सौराष्ट्र को ज्यादा रेल मिले, ऐसा एक मेरा क्वेश्चन है। माननीय मंत्री जी, इसके बारे में हमने स्टडी किया है सर, माननीय कुंडारिया साहब ये बोल दिया है ना, इसके बारे में पूरा देश में डबल ट्रैकिंग का सुविधा चल रही है सर, वो जल्दी से जल्दी हम करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कंपेयर टू दी प्रीवियस 5 साल के पहले का, अभी बहुत तेजी से काम चल रहे हैं, तो ये हम जल्दी से जल्दी ये सुविधा देने के लिए हम प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 165 श्रीमती कनिमोजी जी। सर, इज लेट ऑन द टेबल। सो द मिनिस्ट्री हैज गिवन अ डिटेल्ड रिप्लाई टू द क्वेश्चन, आई थैंक देम फॉर इट, बट दे हैव इन द रिप्लाई सेड दैट देर आर अनरिजॉल्वड पेंडिंग इश्यूज ऑब्स्ट्रक्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ द रेलवे लाइन, एंड आई वुड लाइक टू आस्क the minister if the necessary land has been acquired to complete the project, and the project is supposed to be completed by 2021, but the budgetary allocation has only been the entire allocation is 1882 crores, but so far only 342 crores has been allocated. So will they increase the budgetary allocation and finish the project on time? सर, आपका माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, देर आर 22 प्रोजेक्ट्स, न्यू लाइन्स, गेज कन्वर्शन एंड फॉर कोच, ऑल दिस 22,000 कोच का अंडर डिफरेंट स्टेजेस उनका एरिया में चालू है सर, तमिलनाडु में, एंड 2009 टू 2010, 2010 टू 2013 879 क्रोर्स हैज बीन स्पेंट, 2014 टू 2019 1,079 क्रोर्स हैज बीन स्पेंट, that is 225% more than the UPA government sir, and still there is in Tamil Nadu. आपको सप्लीमेंट्री मिलेगा ना, सप्लीमेंट्री मिलेगा उस समय, आप सप्लीमेंट्री मिलेगा माननीय सदस्य।
Can I explain my question, sir? Sir, I am only asking about one particular railway line in Thoothukudi. I am not asking about what the UPA government. There is a system of the state government has to coordinate and the center and the state. As long as the state do not give the land to complete the project, those land ka issues clear ho gaya, so immediately the project will start from the railways. Mananiya Sadasya. Sir, I have a supplementary which is not directly connected to the first question. So the government has advised to close down 5 printing presses, the government, railway, the printing presses. And what is the need to close down these printing presses, and what happens to the future of the people whose livelihood depends on this and the people who are employed in these printing presses? अध्यक्ष महोदय, फिर एक बार वही बात सामने आती है कि दुनिया आगे चलती जा रही है. कुछ लोग इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द वर्ल्ड इज मूविंग फॉरवर्ड बट सम पीपल सम पार्टी सम अलायंसेस आर लिविंग इन हिस्ट्री. द होल वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन. द होल वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज. दीज प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेटअप बाय द ब्रिटिश many years ago to print tickets and make it available to all the railway stations. Gradually more and more people are booking tickets online, more and more people are engaging in digital and modern technology, and the use of these printing presses has declined so drastically that they are totally uneconomical. Some of the tickets, speaker sir, cost more to print than the total value of the ticket. Now unfortunately some people want us to continue so that tomorrow we will be forced to increase passenger fares because they don't want us to bring efficiency in railway. We want to bring efficiency in the railway. To bring efficiency in the railway, some of these projects which are unviable are being closed down, and therefore all the people who are working there, their jobs are protected. They will be absorbed in other actions, other activities of the railway. I would like to assure the Honorable House and the people of India, not a single person will lose his job. Everybody's job will be protected. They will be absorbed in other parts of the railway. But we will not allow inefficiency to run this railway like it was in the past many years.